हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अनुराग एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल किडो केयर में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको कैसे अपने न्यूबॉर्न बेबी को केयर करना है। जितने भी नए पेरेंट्स हैं उनको बहुत डाउट्स हैं, बहुत कन्फ्यूजन है, उनको पता ही नहीं है एग्जैक्टली कि करना क्या है बेबी के साथ, बेबी को कैसे केयर करना है। इवन हॉस्पिटल में आप देखो तो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस होता ज़रूर है, कुछ लोग अच्छे से समझा पाते हैं, कुछ नहीं समझा पाते हैं, कुछ पेरेंट्स समझ पाते हैं, कुछ पेरेंट्स नहीं समझ पाते हैं। तो आइए चलिए देखिए आज मेरा इस वीडियो को पूरा। इस वीडियो को पूरा देख लेने के बाद आपकी हर एक कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। न्यूबॉर्न बेबी के बर्थ के बाद कुछ पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। मैं सारे पॉइंट्स को डिटेल में आज वन बाय वन आपको बताने जा रहा हूं एंड स्क्रीन पे आपके सामने वन बाय वन स्टेप्स भी आपको बताता जाऊंगा, ताकि आप कहीं भी पहुंचो, किसी भी पॉइंट पे आपको अगर कन्फ्यूजन हो तो आप रिवाइंड या फॉरवर्ड कर देख सको। तो स्टेप नंबर वन, अम्बिलिकल कॉर्ड को केयर करना है। आप देखते हो जब आपको बेबी दिया जाता है लेबर थिएटर से या फिर ऑपरेशन थिएटर से, तो अम्बिलिकल कॉर्ड के ऊपर एक छोटी सी क्लिप लगी हुई होती है। तो आपको उस क्लिप को निकालना नहीं है, छेड़ना नहीं है, कॉर्ड को खींचना नहीं है, या मैं ऐसे बोलूं कि आपको कॉर्ड को छोड़ देना है, आपको कॉर्ड छेड़ना नहीं है, ना ही इसको पानी से गीला करना है, ना ही इस पे तेल डालना है, ना ही अदर कोई ऐसी सब्सटेंस डालनी है जो इन्फेक्शन प्रोड्यूस करती हो। हाँ, डॉक्टर ने अगर आपको सुझाया है कुछ मेडिकेटेड पाउडर या कुछ मेडिकेटेड क्रीम, उसको आप इस पे यूज़ कर सकते हो। एंड जनरली हफ्ते भर से लेकर 10 दिन के अंदर ये ऑटोमेटिकली गिर जाता है। गिरने के बाद फिर आपको ध्यान देना है कि क्या इसमें से पस तो नहीं आ रहा, येलो डिस्चार्ज तो नहीं है, कहीं रेड स्टेन ब्लड तो इसमें नहीं आ रहा है। अगर ऐसी कोई बात है तो अपने डॉक्टर से जाकर आपको मिलने की ज़रूरत है। सेकेंड पॉइंट में हम लोग देखते हैं केयर ऑफ आईज, आँखों को कैसे देखभाल करना है। तो आप ल्यूक वार्म वाटर लेंगे, हल्का सा पानी को गर्म करेंगे, या तो उसे कॉटन में भिगोएंगे या स्टराइल गॉज पीस लेंगे, उसमें आप उसको भिगोएंगे एंड इस गॉज पीस से आँखों को कुछ इस तरीके से सफाई करेंगे। मीन्स मीडियल पार्ट से लैटरल पार्ट की ओर, अंदर से बाहर की ओर, ऐसा ना हो कि आपने बाहर से अंदर की ओर इसमें पहुंचा हो। आपको जब भी पहुंचना है तो अंदर से बाहर की ओर पहुंचना है। और इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो एनएलडी ब्लॉक भी बनाया था, आप अगर चाहो तो एनएलडी ब्लॉक देख सकते हो। एंड अगर आपके बेबी के आंखों से आंसू टपक रहा है, छलक रहा है, तो उसे कैसे ठीक किया जाए उसका उपाय भी मैंने उस वीडियो में बता रखा है। अगर तीसरे पार्ट की बात करें तो तीसरे पार्ट में आता है स्किन केयर। स्किन को केयर करने का सबसे अच्छा तरीका है इनिशियल 7 to 10 days, जब तक कि अम्बिलिकल कॉर्ड अपने आप से झड़कर गिरा नहीं है, तब तक आपको नहलाना नहीं होता है बच्चे को। यस, बिल्कुल ध्यान रखें इस बात को, जब तक अम्बिलिकल कॉर्ड नीचे नहीं गिरा है तब तक बच्चे को ना नहलाएं। अगर फिर भी ज़रूरत पड़ रही है स्किन को साफ करने की, तो आप इसे ल्यूक वार्म वाटर लेके, या तो रुमाल में, स्टराइल गॉज में, या कॉटन पीस से आप पूरे बॉडी को स्पॉन्ज कर सकते हो। स्पॉन्जिंग में कहीं कोई खतरा नहीं होता है। अब आते हैं बेबी प्रोडक्ट्स के बारे में। तो बेबी प्रोडक्ट्स को आप जब तक बेबी स्टेबल ना हो जाए तब तक यूज़ नहीं करना है। किसी भी तरीके की पाउडर, क्रीम, लोशन, या जो भी आप यूज़ करना चाहते हो, मॉइस्चराइजर एंड अदर थिंग्स, जब तक बेबी स्टेबल नहीं हो जाएगा तब तक आप यूज़ नहीं करेंगे। हमारे से बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्या बच्चे को तेल मालिश करना शुरू कर दिया जाए। तेल मालिश करने में आप देखो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वो भी एक स्टेबिलिटी आने के बाद। जब तक आपका बेबी स्टेबल नहीं हुआ है तब तक आप मालिश नहीं करेंगे। रह गई बात कौन सी तेल से या कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना है, तो तेल में कोई खास डिफरेंसेस नहीं है। एक वीडियो हमारा आ रहा है मसाज वॉयल पे भी, उसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके का वॉयल एंड कौन सा वॉयल बच्चे के लिए सुटेबल है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखना। इसके अलावे स्किन केयर में एक और टर्म बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ KMC, कंगारू मदर केयर। मदर को चाहिए वो अपने चेस्ट पे बच्चे को
सारे कपड़े को हटाकर अपने चेस्ट पे लगाकर रखें ताकि गर्माहट बच्चे को मिल सके। एंड जब बच्चे को गर्माहट मिलती है तो आप देखते हो उनका मेटाबॉलिज्म भी सुधार हो जाता है, उनके ग्रोथ में, उनके फीडिंग हैबिट में आपको सुधार मिलता है, यूरिन टाइम टू टाइम पास करते हैं, स्टूल भी अच्छे से पास हो जाता है। तो बच्चे को एक KMC की भी ज़रूरत होती है, दैट इज़ कंगारू मदर केयर। फोर्थ पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो फीडिंग, फीडिंग में आधे घंटे के अंदर, यस, जब बेबी पैदा होता है या तो वो सिजेरियन से हुआ होगा या तो वो नॉर्मली डिलीवर हुआ होगा, आधे घंटे के अंदर मदर को ब्रेस्ट फीड स्टार्ट कर देना चाहिए। हाँ, कुछ लिटरेचर्स में आपको ज़रूर लिखा रहता है नॉर्मल हुआ है तो एक घंटे के अंदर करो एंड सिजेरियन हुआ है तो 4 घंटे के अंदर करो, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो प्रोटोकॉल यही कहता है कि विद इन हाफ एन आवर आपको फीडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। एंड पहला दूध माँ का दूध ही जाना चाहिए बच्चे को, क्योंकि ये होता है पहला गाढ़ा और पीला दूध जिसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं, एंड कोलेस्ट्रम बहुत बेनिफिशियल होता है बच्चे के ग्रोथ के लिए। प्लस ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर आपके पास अगर जो भी कन्फ्यूज़न है एंड क्वेरीज हैं, आप मेरा ये 2 वीडियोस देख लेंगे तो आपको हर तरीके की क्वेरी दूर हो जाएगी। मैं आपको जस्ट एक समराइज कर देता हूँ इसे कि ब्रेस्ट फीड हर 2 से 4 घंटे में बच्चे को देना चाहिए। आपको 2 से 3 बातों को ध्यान में रखना है, बच्चे का स्लीपिंग पैटर्न देखनी है, बच्चे का यूरिन आउटपुट देखना है, एंड बच्चे का टाइम टू टाइम वेट गेन हो रहा है या नहीं ये देखना है। और कब तक बच्चे को दूध पिलाना चाहिए, 6 महीने एक्सक्लूसिव मदर फीड होना चाहिए, से लेके 2 साल तक मदर फीड को कराया जा सकता है। 5वां पॉइंट विटामिन के से रिलेटेड है, अपने न्यूबॉर्न बेबी को विटामिन के का इंजेक्शन ज़रूर लगवाएं। यस, आजकल क्या होता है, हर हॉस्पिटल में स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं, जो भी बेबी डिलीवर होगा उनको विटामिन के का इंजेक्शन लगा दिया जाएगा। तो आप मानकर चलें ये आपके डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने विटामिन के का इंजेक्शन लगाया या नहीं लगाया। लगा दिया तो वेल एंड गुड, नहीं लगाया है तो आप एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछें कि क्या हमारे बेबी को विटामिन के का इंजेक्शन लगा है या नहीं। साथ ही साथ इसी में 6ठा पॉइंट में मैं ऐड करना चाहता हूँ, दैट इज़ वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन भी बर्थ पे हो जाना चाहिए, खासकर ये 3, हेपेटाइटिस बी, BCG एंड ओरल पोलियो। अगर आपके डॉक्टर ने एट बर्थ ये 3 लगा दिया है, वेल एंड गुड, अगर नहीं लगाया है तो आप उनसे ज़रूर रिक्वेस्ट करें एंड ये 3 वैक्सीन पहले 24 घंटे के अंदर लगवा लें। हमारा 7वां पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जो कहता है रूमिंग इन एंड कॉट इन। रूमिंग इन कहने का मतलब है कि मदर एंड बच्चे को एक ही रूम में रखा जाए, जिस रूम में मदर रह रही हैं उसी रूम में बच्चा रहेगा, ऐसा ना हो कि बच्चे को किसी दूसरे रूम में आपने लिटा दिया है। सेकंड पॉइंट कहता है कॉट इन, जिस बेड पे मदर सो रही हैं उसी बेड पे बच्चे को भी सुलाना है, ऐसा ना हो कि आपने एक नया क्रेडल ले आया एंड बच्चे को आप उस क्रेडल में सुला रहे हो। नहीं, आपको बेबी को मदर के कॉट पे सुलाना है, मदर के ऊपर भी आप सुला सकते हो। इससे क्या होता है, एक तो KMC आपका सॉल्व हो गया, दैट इज़ कंगारू मदर केयर, जस्ट मैंने अभी आपको पीछे बताया है। एंड सेकेंडली ब्रेस्ट फीडिंग भी इस्टेब्लिश हो जाता है इससे बहुत अच्छे से, एक मदर एंड बेबी का बॉन्ड बनना भी शुरू हो जाता है इससे। तो आपको ये 2 स्टेप्स को बिल्कुल फॉलो करना है, रूमिंग इन एंड कॉट इन। 8वां पॉइंट अगर हम लोग देखते हैं तो 8th पॉइंट कहता है कि आपको किसी भी तरीके का मदर फीड को छोड़ के कोई भी घुट्टी बुट्टी जायफल ग्राइपॉटर कैलकेरिया कैल्शियम कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपके डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है विटामिन D3 का ड्रॉप, वो आप इनको ज़रूर से दें। तो अपार्ट फ्रॉम ब्रेस्ट मिल्क कुछ और नहीं जाना चाहिए बच्चे के मुंह में कब तक, 6 महीने तक आपको बेबी को कुछ नहीं देना है। 9th पॉइंट में है हमारा हैंड वॉश। यस, एक बार फिर से मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, बिना हैंड वॉश किए न्यूबॉर्न बेबीज़ को ना टच करें, उनको कभी ना उठाएं। एंड हैंड वॉश करने का सबसे सही तरीका है 2 मिनट से सोप वाटर से हैंड वॉश करें। मैंने आपको 6 स्टेप्स पहले ही बताया है, हर वो 6 स्टेप्स को आपको फॉलो करना है जब भी आप अपने न्यूबॉर्न को छूने जा रहे हो। अगर आपके पास अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र है तो वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो। बट याद रखें, बेबीज़ को टच करने से पहले आप भी हैंड वॉश करें, अपने रिलेटिव्स को भी बोलें हैंड वॉश करने के लिए, अगर कोई दूसरे बच्चे घर में हो तो उनको भी पहले सिखाएं कैसे हैंड वॉश किया जाता है, एंड तब वो आकर अपने न्यूबॉर्न बेबीज़ को टच करेंगे। फाइनली
दसवां पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट दैट इज स्वैडलिंग। तो स्वैडलिंग क्या होता है मैं आपको जस्ट ब्रीफ कर दे रहा हूँ, बेबीज को किस तरीके से रैप कर कर आपको रखना है ताकि एनर्जी का खर्च बहुत कम हो, बेबीज ने जो मिल्क लिया है वो इसके बॉडी में यूटिलाइज हो सके, ग्रोथ इनकी प्रॉपर हो सके, यूरिन आउटपुट अच्छा हो सके। तो स्वैडलिंग किस तरीके से करना है, क्या करेक्ट वे है, इसके लिए भी आपको जस्ट कुछ दिनों में एक अच्छी सी वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। तो हमारे साथ कनेक्टेड रहें, इसी तरीके की अच्छी अच्छी सी जानकारियां आपको मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। बाकी इस चैप्टर से, इस सब्जेक्ट से अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दें, आपको हर बार की तरह आंसर मिल जाएगा। थैंक यू।